रूस की बढ़ती ताकत के चलते अमेरिका परेशान है। दुनिया से रूस और अमेरिका के बीच का तनाव छुपा नहीं है और अब इस तनाव की एक और वजह सामने आई है। वॉशिंगटन और मॉस्को में चल रही तनातनी के बीच रूस ने एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। जिरकॉन एक एंटीशिप मिसाइल है। रूस ने दावा किया है कि अगले साल तक इस मिसाइल को सक्रिय कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि अमेरिका के पास अभी कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। रूस के इस मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका का कहना है कि इससे हथियारों की होड़ में इजाफा होगा और क्षेत्रीय स्थिरता में भी खलल पड़ेगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की आखिर क्या खूबियां हैं। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा तेज है। ये Mach 7 स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। हालांकि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की और दागे जाने के बाद 2.5 मिनट के अंदर अपने टारगेट को तबाह कर दिया। रूस की योजना अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने की है ताकि वो किसी भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य को तबाह कर सकें। रूस ने जिरकॉन मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह परीक्षण व्हाइट सी में किया गया है और बैरेंट्स सी के किनारे पर एक जमीनी टारगेट को तबाह किया गया। 2021 की शुरुआत में रूस ने ऐलान किया था कि वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में 200 मिसाइलों का परीक्षण करेगा। इससे पहले साल 2020 में भी रूस ने करीब 200 मिसाइलों का परीक्षण किया था। 2018 में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। उस वक्त पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने अपनी मध्यम दूरी की मिसाइलों को यूरोप में तैनात किया तो वो अपने जहाजों और सबमरीन को जिरकॉन मिसाइल से लैस कर देंगे। वहीं रूसी विमान निर्माता कंपनियों का कहना है कि वो अगले हफ्ते मॉस्को में आयोजित होने वाले एयर शो में एक नया लड़ाकू विमान पेश करेंगे। मॉस्को में आज ये MAKS 2021 अंतर्राष्ट्रीय विमानन एवं अंतरिक्ष सैलून नाम का एयर शो शुरू हुआ है। रूसी मीडिया के मुताबिक नए लड़ाकू विमान का निर्माण हल्के लड़ाकू विमानों के निर्माण की योजना के तहत किया गया है। इस लड़ाकू विमान का निर्माण सुखोई का निर्माण करने वाली कंपनी ने किया है। हालांकि रूस की मिसाइलों की ताकत को देखकर अमेरिका अब काफी परेशान नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।